यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपकी कमेंट्स में आई हुई जितनी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक यार बने रहना। वीडियो इतनी लंबी नहीं करेंगे, छोटी वीडियो करेंगे, क्योंकि आप लंबी की वजह से देखते नहीं हो। और दोस्तों, ए टू जेड जितनी भी कॉमन सेटिंग्स है सबके बारे में बताएंगे। तो गाइस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो एक भाई ने बहुत दिन से किया था, इंस्टाग्राम पर भी बोला था भाई ने। तो भाई लोग, वो क्वेश्चन है अपना कि भाई गेयरबॉक्स कैसे ऐड करें। तो भाई आपको जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाकर आपको तीसरे ऑप्शन पे कॉन्फ़िगर, इस पर जाना है और आपको फिर ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको ऑटो ट्रांसमिशन दिख रहा है, जहाँ मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस टिक को आपको हटा देना और ड्राइव पर क्लिक कर देना है, या फिर सेव पर। सेव पर करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस यही सेटिंग सेव हो जाएगी, आपको ड्राइव पर चले जाना। दोस्तों, आप आ गया गियर अप और गियर डाउन, ये देखो मेरे सामने। और देखो ऊपर गियर भी चेंज हो रहे हैं, इसमें चार गियर हैं और एक बैक गियर है। ये देखो, अब बैक लग गया, ये पहला और ये बैक और ये पहला। दोस्तों, इस हिसाब से आप गियर बदल सकते हैं ऐसे। और भाई लोग, अपना दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भाई जो था वो था कि भाई स्टीयरिंग व्हील कैसे लाएं, स्टीयरिंग व्हील डालो। तो भाई, स्टीयरिंग व्हील पहले से डाला हुआ, आपको जाना ऑप्शंस में और यहाँ जाना आपको सेलेक्ट मोबाइल कंट्रोलर टाइप। यहाँ जहाँ देखो मैं फिंगर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ इसके नीचे UI बटन्स देख रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक करना तो आपको ये खुल जाएगा। इसमें आएगा जोयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेटर, UI बटन्स। तो मैं UI बटन्स पर ज़्यादा खेलता हूँ, आपको स्टीयरिंग व्हील पर कर देना। और दोस्तों, फिर आ जाएगा अपना स्टीयरिंग, तो सेलेक्ट कर देना, बस आ गया स्टीयरिंग। और दोस्तों, अपना थर्ड क्वेश्चन था कि भाई ये मीटर्स के कलर जो हैं, ये और ये, इनका कलर कैसे चेंज करें। तो आपको जाना ऑप्शंस में और यहाँ पर जहाँ हुड कलर का मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर हुड कलर का ऑप्शन आएगा और यहाँ आपको इन्हें घटा बढ़ा कर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है कलर की, ठीक है दोस्तों। और अब अपना जो चौथा क्वेश्चन था वो था कि भाई आप अगले टायर चेंज होने चाहिए। तो भाई, पिछले और अगले दोनों साथ ही चेंज होंगे, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार अभी तक ये सेटिंग्स की नहीं है हमने कि ऐसा हो सके, इस वजह से दोस्तों दिक्कत ये बैठ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अपन चारों ही टायर एक साथ चेंज कर सकते हैं। इस समय देखो अपन ने फायर के टायर दे दिए हैं इसमें, तो ये वजह है। और दोस्तों, मैंने एक पांचवा क्वेश्चन है कि भाई इसकी स्पीड और वगैरह, मतलब पावर कम ज़्यादा कैसे करें। तो आपको कस्टमाइज में जाना है और कॉन्फिग ऑप्शन में जाना, वही वाले में जिसमें फर्स्ट में गए थे अपन, कॉन्फिग में गए। और यहाँ पर आपको नीचे ये चार टिक लग रहे हैं, इसके नीचे एक टिक लग रहा है ग्रेजुअल गैस, इस पर आपको करना, तो आपको रेस का जुगाड़ मिल जाएगा। ये देखो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट साइड में ग्रीन ग्रीन, इतनी रेस करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, इस समय फुल है। तो दोस्तों, आप कम ज़्यादा पर जोर लगवा सकते हैं, जैसे कि कहीं पर नहीं, कहीं पर चढ़ रहा है और आपको नहीं चढ़ाना, तो रेस कम कर लें और गियर बड़ा गियर दें, बिल्कुल नहीं चढ़ के देगा वहाँ को। और दोस्तों, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने बोला था पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भाई फिर बोला था कि भाई ट्रैक्टर 4x4 में लाओ, तो आपको कॉन्फिग में अगेन जाना है। और दोस्तों, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा RWD जिस पर लिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना। और दोस्तों, RWD का मतलब है रियल व्हील ड्राइव, मतलब पिछले पर ये जोर लगाएंगे। यदि फ्रंट पर कर दोगे तो ये ट्राली नहीं खींच के देगा, सिर्फ खाली चल जाएगा। उसकी वजह बताऊँ, क्योंकि आगे से ट्रैक्टर जब खड़ा हो जाता तो अगले पर ये जोर लगा रहा है तो कैसे चल जाएगा। तो आपको FWD नहीं, RWD नहीं, AWD करना है, इसका मतलब है ऑल व्हील ड्राइव, और इससे आपके चारों टायर जोर लगाएंगे। बस दोस्तों, यही थे आज की वीडियो। तो भाई लोग, आपको उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई लोग जितनों ने भी सब्सक्राइब किया ना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। तो बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।